ज आज हम करेंगे ब्लू फिश एंड फीचर्स ऑफ ब्लू फिश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे वीडियो वट इज अ ब्लू फिश ब्ल्यू फिश इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर फिश क्या है फ्री एंड ओपन सोर्स एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर है लाइक गेडिट एंड नोट पैड दीज आर द टेक्सट एडिटर्स बट ब्लू फिश क्या है एडवांसड टेक्सट एडिटर विद द वेराइटी ऑफ टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग इन जनरल एंड द डवेल्पमेंट ऑफ डायनेमिक वेबसाइट्स इसमें हमें क्या होता है वेराइटी ऑफ टूल्स अवेलेबल होते हैं फॉर प्रोग्रामिंग एंड अगर हमें कोई भी डायनेमिक वेबसाइट डवेल्प करनी है तो इसके लिए हम वेरायटी ऑफ टूल्स जो हमें ब्लू फिश में अवेलेबल होते हैं वो यूज़ कर सकती हैं The main purpose of the Bluefish editor is to make coding easier and to reduce errors. इसका main purpose क्या होता है कि जो हमारी coding है उसे easy बना देता है और जो errors होती हैं उसे reduce करना Next is features of Bluefish. Bluefish की features कौन कौन सी हैं First one, what you see is what you get interface. इसमें हमें क्या होता है डबल जू वाई एस आई डबल जू वाई जी इंटरफेस अवेलेबल होता है जो भी हम देखते हैं वही हमें मिलता है वट यू सी इज़ वाट यू गेट सेकेंड वन मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस दैट कैन ईजली ओपन फाइव हंड्रेड प्लस डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस मिलता है जिसमें हम फाइव हंड्रेड से भी ज़्यादा इंटरफेस डॉक्यूमेंट्स एट वन टाइम ओपन कर सकते हैं ईजली नेक्स्ट इज़ नाइस विजर्स फॉर स्टार्टअप टेबल्स फ्रेम्स एंड अदर्स टेबल्स के लिए स्टार्टअप के लिए फ्रेम्स के लिए हमें नाइस विजर्स अवेलेबल होते हैं इन ब्लू फिश नेक्स्ट डायलॉग्स फॉर मैनी एच टी एम एल टैग विद ऑल देयर एट्रीब्यूट्स एच टी एम एल में बहुत सारे टैग्स होते हैं उनके लिए डायलॉग्स अवेलेबल होते हैं इन ब्लू फिश विद ऑल देयर एट्रीब्यूट्स उनके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके साथ डायलॉग्स अवेलेबल होते हैं एच टी एम एल टूल वार एंड टीयर ऑफ मैन्यूज़ इसमें हमें एच टी एम एल टूल वार और टीयर ऑफ मैन्यूज़ अवेलेबल होते हैं नेक्स्ट इज़ स्पेल चैकिंग स्पेल चैकिंग की ऑप्शन भी हमें ब्लू फिश में अवेलेबल होती है डायरेक्टली जो भी हमारे चैकिंग होते हैं वो स्पेलिंग्स spell, uh, होते हैं वो चेक हो जाते हैं ट्रांसलेशंस इन ट्वेंटी लैंग्वेजेस इसमें हम हमारी जो कोडिंग है उसे ट्वेंटी लैंग्वेज़ में ट्रांसलेट कर सकते हैं ईजिली ट्रांसलेट इन ट्वेंटी लैंग्वेज सो गाइज आई होप आज आ, आपको जो टॉपिक ब्लू फिश एंड फीचर्स ऑफ ब्लू फिश क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें